आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वायरल क्रिप्टो कॉइन। यहाँ पे मैं वायरल का मतलब मेरा ये नहीं है कि यहाँ पे शिबाइन हो गया या फिर डोज कॉइन होगा, बिटकॉइन होगा, ऐसे कॉइन के बारे में नहीं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉइन है जिसका नाम है वायरल। इस कॉइन के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्या इस कॉइन के अंदर आपको यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे थंबनेल के अंदर एक चीज़ मेंशन की है कि आपको यहाँ पे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है एंड 2 महीने के अंदर आपको 101% फिक्स प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसी चीज़ के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं यहाँ पे इस कॉइन के अंदर एंड यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि क्या आपको इस कॉइन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ coinmarketcap.com वेबसाइट ओपन एंड यहाँ पे जो यहाँ पे जो गैन किए हुए कॉइन है उनके अंदर आते हैं हम। यहाँ पे आपको एक कॉइन देखने को मिलता है, जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कॉइन को लिया है जिसका नाम है वायरल। आप इस कॉइन को यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम इस कॉइन को ओपन करते हैं। लास्ट 24 आवर्स की बात करते हो, इसने लगभग 93% ग्रोथ की बात की है। कभी ना कभी ये यहाँ पे नंबर 1 पे गैन पे था, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउन हमें आ गया है क्योंकि वीडियो बनने में थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पे उन कॉइन को परचेज किया करो जिनके अंदर यहाँ पे आपको 0 देखने को मिलता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका बजट अगर कम होता है तो आपके लिए ये कॉइन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको इन कॉइन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ट एनालाइज करेंगे, इसके ऊपर हम करते हैं ऑल पे सेलेक्ट। ऑल पे सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड ऊपर करने के बाद में आपको यहाँ पे हम जो है दिखा दें। देखिए यहाँ पे ये कॉइन फर्स्ट टाइम पंप किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। बड़े बड़े पंप की बात करते हैं, बाकी छोटा पंप तो इसने आते ही किया था यहाँ पे। अब उसके बाद की अगर हम बात करें तो इस कॉइन ने एक यहाँ पे बड़ा पंप लिया था, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद में इस कॉइन ने यहाँ पे वापस डाउनफॉल में आ गया था एंड यहाँ से इसने फिर से पंप लेना स्टार्ट किया था एंड सेकेंड पंप यहाँ पे इसने इससे बड़ा लिया था। अगर हम आज की डेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे पंप इसने बहुत सारे ले रखे हैं यहाँ पे एंड ये जो छोटा सा एक पंप लिया था ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? देखिए आपको इस कॉइन के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे कॉइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो छोटे छोटे कॉइन मतलब जो छोटे कॉइन होते हैं उन कॉइन को यहाँ पे लेना है एंड जो कॉइन यहाँ पे पहले एक बड़ा पंप कर चुके हैं यहाँ पे उन कॉइन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया था वायरल कॉइन, ये कॉइन पहले से एक पंप कर चुका है, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे कॉइन को ले लेना है, यहाँ पे पंप किया हुआ सेकंड पंप बाकी हो, ऐसे बहुत सारे कॉइन होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताने के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी गैन किए हुए कॉइन है ना, यहाँ पे जो बिगेस्ट गैन लास्ट चौबीस आवर्स के अंदर, इनके अंदर लगभग के अंदर आपको यहाँ पे डबल पंप देखने को मिलेगा। आपको उन कॉइन को सिलेक्ट कर लेना जिनके अंदर एक ही पंप लिया हुआ होता है। देखिए यहाँ पे ये कुछ मेथड होता है, ठीक है, 100% वर्क करे इसकी गारंटी मैं कभी भी नहीं लेता हूँ, ठीक है। ये कॉइन तो हो सकता है बिल्कुल नया कॉइन है, बट यहाँ पे आपको मैं चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। आप इस कॉइन के अंदर देख सकते हो इस कॉइन ने बहुत सारे पंप लिए हुए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कॉइन अभी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल के अंदर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे में इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। जब ये यहाँ पे गेन कर ले तो इसको सेल कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको उस कॉइन के बारे में रिसर्च जरूर से कर लेनी है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लेते हो, कोई भी उठा लेते हो, उस कॉइन के बारे में रिसर्च कर लेनी है। कॉइन के बारे में क्या चीज़ें रिसर्च करनी है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। आपको सबसे पहले उसकी कम्युनिटी चेक लेनी, कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड में आपको यहाँ पे आपको देख लेना उनका ट्विटर अकाउंट होना चाहिए और ट्विटर अकाउंट के अंदर वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 वीक हो गए पोस्ट नहीं हुआ कोई, तो ऐसे कॉइन को आपको बिल्कुल सबसे पहले रिजेक्ट कर देना है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो चार्ट एनालाइज, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है चार्ट एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चार्ट अगर एनालाइज नहीं करते हो, आप ऐसे ही कोई भी कॉइन के अंदर इंटरेस्ट जता देते हो, तो उससे में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपका लॉस हो सकता है। तो किस टाइप के कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है एंड कैसे आप यहाँ पे वायरल कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे जो अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।